हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल ऑफ एशियन चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिपोर्टेड स्पीच पार्ट फोर टाइप सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद डब्ल्यू एच वर्ड। बिफोर इट वी हैव स्टडीड रिपोर्टेड स्पीच आर द थ्री पार्ट्स। इन देम फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू रूल्स, सेकेंड पार्ट बिलोंग्स टू असर्टिव सेंटेंस एंड थर्ड पार्ट बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ डब्ल्यू एच वर्ड। दिस इज फॉर टाइप फोर, टाइप सी और पार्ट फोर। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच पार्ट फोर टाइप सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद डब्ल्यू एच वर्ड। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब, बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, एंड द सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद डब्ल्यू एच वर्ड। तो टूडे आवर टॉपिक इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्यों का रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको पहले से याद रखनी कि कनेक्टिव जो है हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करेंगे इसमें, जबकि इससे पहले वाले पार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर यूज़ करते थे। यहाँ पर सेम ये सेट टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस्क में बदलेगी, वहाँ पर भी आस्क में बदलती थी, बाकी कोई चेंज नहीं। बाकी वही रूल है, कनेक्टिव वर्ड आपको डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज करना और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क यूज करेंगे और टू वन का फॉर्मूला यहाँ पर भी हमें यूज करना है। तो यहाँ जो एग्जांपल दे रखा है उसको देखते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का, राम सेड टू राधा, वाई एम आई राइटिंग यू अ लेटर नाउ। तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है पहले वाला, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद जो है सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच का है। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वाई, वाई से डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ध्यान रखना, राम सेड टू राधा, यहाँ जो सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदलेगी, आस्क में बदलेगी, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच ऊपर वाला था, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं जिसमें राम का सब्जेक्ट राम हो जाएगा, सेड टू आस्क में बदल गया, राधा का राधा। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड है वही आपका यहाँ पर कनेक्टिव बनेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ जबकि ये स्मॉल में लिखना है। अब आपको वही टू वन का फॉर्मूला, यानी टू पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो टू पर रहेगी और सब्जेक्ट है वो वन पर रहेगा। तो ये सब्जेक्ट आई है वो वन पर चला जाएगा। आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, आपको रूल्स पहले बता दिए कि आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है तो राम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, आई का ही। इसी तरह इजारेम जो टू पर जाएगी, इजारेम का क्या बनता है, वाज वर्ब। तो ही के साथ क्या लग गया, वाज, राइटिंग का राइटिंग होगा। यू, यू हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है और ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ पर राधा है, राधा का सी होता है, तो जैसे यू यू होता है वैसे सी में क्या बनता है, हर, इसलिए यहाँ हर आ जाएगा। ए लेटर चेंज नहीं होता। नाउ ये चेंज ऑफ वर्ड्स का रूल लगेगा, नाउ किस में बदलता, देन में। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको क्या यूज करना, फुल स्टॉप। तो ये एग्जांपल जैसे है उसी तरह से कुछ एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक और अधिक क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। लेट्स सेकंड, राम सेड टू सीता, व्हेन हैव यू कॉल्ड मी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि ये देखो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है और ये रिपोर्टिंग वर्ग का, तो रिपोर्टिंग वर्ग में तो हमें ये वर्ग बदलनी है, वही राम यहाँ पर क्या बनेगा, आस्क्ड सीता, और यहाँ कनेक्टिव जो है यही वाला डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टिव बन जाएगा, ये कनेक्टिव बन गया। फिर ये टू वन का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि वन जो टू वन का मतलब है, ये जो यू है वो पहले लिखेंगे और हैव बाद में लिखेंगे। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू का रोल क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर सीता है, सीता यानी कि
सी बनेगा यहाँ पर प्रोनाउन, हैज हैव किस में बदलता है, जब हैड में बदलता है तो हैज हैव का क्या बन गया, हैड कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। मी, मी आई से बनता है और आई का नियम होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, जैसे आई में मी होता है वैसे राम यानी कि राम का प्रोनाउन ही हुआ तो ही का क्या बनेगा, हिम। ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या यूज़ करना, फुल स्टॉप यूज़ करना, क्योंकि अब जो हमने सेंटेंस लिखा इनडायरेक्ट सिस्टम वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हैज फुल स्टॉप एट द एंड। नाउ नेक्स्ट, राधा सेड टू मोहन व्हाई डू यू ब्रिंग माई बुक्स, तो यहाँ पर भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डब्ल्यू एच वाला जो कि इंट्रोगेटिव है, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे राधा, यहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाएगी, आस्क में, राधा आस्क मोहन, और डब्ल्यू एच वर्ड ही हमारा क्या बनेगा, कनेक्टिव, कनेक्टिव बन जाएगा, कनेक्शन करेंगे इसी को। और टू वन का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करना, यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौन है, मौन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और ब्रिंग, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकेंड फॉर्म में बदलते हैं, तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगा, ब्रॉट, यानी डू वापस नहीं आएगा, ही अगर डू नॉट होता तो यहाँ पर डिड नॉट ब्रिंग हो जाता, लेकिन डू फर्स्ट है तो सीधा सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। माई आई का होता है, आई से बनने वाला प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर राधा है तो राधा में सी, जैसे यू में यू, यू में जैसे आई में माई होता है वैसे ही सी में क्या हो जाएगा, जैसे आई मी माई होता है तो सी में हो जाएगा सी हर हर, तो माई का यहाँ क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, बुक्स का बुक्स, ये नो चेंज होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के लिए क्या यूज करना, फुल स्टॉप। तो ये नेक्स्ट, ये इस तरह से आपको इसके रूल्स थोड़े से ध्यान रखने। अगला, रेखा सेड वेयर इज इट रेनिंग नाउ, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, सुनने वाला नहीं है, बट डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क का यानी इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड, तो हमें वही रिपोर्टिंग वर्ब वही यूज करनी है आस्क, और कनेक्टिव क्या यूज करना, वेयर, यही वाला कनेक्टिव यूज हो जाएगा। टू वन का फॉर्मूला यानी इट को वन की जगह इट, नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है तो इट का इट आ जाएगा, और इज आर एम किस में बदलता है, वॉज वर्ब में, तो इट के साथ क्या यूज हो जाएगा, वॉज, रेनिंग का रेनिंग, और नाव का क्या बन जाएगा, नाव किस में बदलता है, वर्ड के नियम के अकॉर्डिंग देन में, नाव का देन हो गया। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड हाउ डिड यू नो माई नेम, तो यहाँ पर भी देखो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क यानिंग की इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड, तो वही इसमें भी आपके सुनने वाला नहीं है, तो टीचर रिपोर्टिंग वर्ब वही आस्क्ड आएगी, और कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, वही हाउ, ये टू वन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यू पहले लिखेंगे, यू किसके अकॉर्डिंग बदलता, ऑब्जेक्ट के अनुसार, बट हियर इज नो ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला कोई नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि सुनने वाला अगर राम है तो ही हो जाएगा, सुनने वाला अगर राधा है तो सी हो जाएगा, सुनने वाले द स्टूडेंट्स है तो दे हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता, जैसे सुनने वाले मान लो स्टूडेंट से, यानी जिससे ये क्वेश्चन पुट किया वो स्टूडेंट से, तब अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, अगर अकेला कोई स्टूडेंट होता तो ही या सी बनता, फिर डिड नॉट, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म किस में बदलता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, यहाँ हैड और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, हैड नॉन। अभी माई बदलना है, माई आई मी माई आई में होता है, आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो माई भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट कौन है, टीचर, टीचर है भी ही है तो ही का, जैसे आई मी माई होता है वैसे ही में क्या हो जाएगा, ही हिम हिज हिज नेम, बट यदि टीचर सी है देन आई मी माई होता सी में हो जाएगा सी हर हर, तब यहाँ पर आपको हर यूज करना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
She said to me, when was your father not there? Question mark. तो ये भी WH word से start हो रहा है और question mark लगा हुआ है, तो अपने यहाँ पर reporting verb said to का क्या बन जाएगा? Asked me, ये WH word connection बन जाएगा. Connective when, to one का formula, year one पर क्या आएगा? Your father यहाँ पर shift हो जाएगा, but your यू से बनता है और यू का नियम होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो. ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो जैसे यू में यू यू योर होता वैसे ही यहाँ बता देता हूँ. जैसे यू यू ये प्रोनाउन टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते. ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी लिखा, मी का मतलब आई से होता है, आई मी माई. तो योर की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? माई. तो वैन माई फादर ये हो गया, और वाज है वो वाज वर्ग किसमें बदलता? हैड बीन में. तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? हैड, लेकिन नॉट है तो आपको पहले ही बता रखा हैड नॉट बीन यूज करेंगे, यानी नॉट को हैड और बीन के बीच में यूज करना है. और वेल का कोई रूल नहीं, तो वेल का वेल और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लग जाएगा? पुलिस स्टॉप. नेक्स्ट है हरिबिल से, हाउ इज ही गोइंग टू उदयपुर. तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है आपके? फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर टेंस में ये ध्यान रखना, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो टेंस नहीं बदलना, बाकी सब बदलेंगे बट टेंस नहीं बदलेगा. ये हो जाएगा हरी विल, रिपोर्टिंग वर्ब विल आस्क हो जाएगी, जिस पैटर्न में उसी पैटर्न में यूज होगी. और डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो जाएगा कनेक्टिव के लिए, टू वन करेंगे. तो यहाँ ही आया तो ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा. इज इजार एम वाजों में बदलता यदि पास्ट टेंस होता है आगे, यानी कि ये रिकॉर्डिंग वर्ब पास्ट की होती तो बदलता, बट यहाँ पास्ट नहीं है प्रेजेंट ही है. इज आए फ्यूचर है तो इज ही आएगा और गोइंग टू, यानी यहाँ टेंस नहीं बदला है. ऐसा कब होता है जब टेंस नहीं बदलते हैं? तो टेंस नहीं बदलने के रूल आपको बता रखे हैं कि एक तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस नहीं बदलना है. दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, या हैबिचुअल एक्शन है, या कोई मोटो है, तो उसमें आपको टेंस नहीं बदलना. बाकी पास्ट टेंस का पार्ट है अगला, तो आपको टेंस बदलना है. नेक्स्ट, मिस्टर राव सेड टू अस, हु विल कम टू मी टुमारो. तो यहाँ पर मिस्टर राव ये क्या बन जाएगा? आस्क अस, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड जो आपका है हु है तो हु ही आएगा, ये डब्ल्यू एच वर्ड है, ये भी इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन मार्क है. विल का क्या बन जाता है? विल का पास्ट वुड होता है. कम चाहो तो गो लिख दो. टू मी, मी किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार. क्यों बदलता है? क्योंकि मी आई से बनता, आई मी, वैसे ही या सब्जेक्ट है मिस्टर राव, मिस्टर राव ही हुए तो ही हिम, तो मी का क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा. और टुमारो का क्या बनता है? द नेक्स्ट डे. और क्वेश्चन मार्क की क्या लगेगा? पुलिस को. तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं. महेश सेड टू हर, Why did you call me to your house? इस सेंटेंस में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब महेश क्या बन जाएगा? Asked her. महेश asked her. WH word है connecting. वही WH word ही बनेगा क्योंकि interrogative भी WH word वाला है. टू वन का formula लगेगा. यहाँ पर who से शुरू होता है, स्टार्ट विद हु, वहां पर टू वन फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि वहां सब्जेक्ट नहीं होता. यहाँ टू वन लगेगा. तो यू और योर है वो किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हर. हर का मतलब सी से हुआ, तो सी डेट फर्स्ट. डेट फर्स्ट किस में बदलता है? हेड थर्ड में. सी हेड. और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉल्ड. मी बदलना है. मी, मी आई मी, मी मी किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार. मी यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? महेश. जैसे आई में मी होता है वैसे ही महेश यानी ही में क्या होगा? हिम. हिम टू योर,
योर जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट हर है तो यू यू योर होता है, वैसे सी हर हर होगा तो ये आ जाएगा हर और हाउस। तो इस तरह से आपको इसमें विशेष ध्यान रखना, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क यूज होती है, और कनेक्टिव अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव लगेगा, और डब्ल्यू एच वर्ड के साथ जो वाक्य लिखा जाएगा, जो सेंटेंस लिखा जाता है वो इंपरेटिव एसर्टिव फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगी। तो बाकी जो भी प्रोनाउन जो भी है वो उसका रूल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन ही सी दे इट राम श्याम राधा ये नो चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन नहीं बदले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक का आप अच्छा सा अभ्यास कीजिए, अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही आप के साथ होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।